नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। दिल्ली से सटी राज्यों की सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। शुक्रवार को सिंघू बॉर्डर पर पंजाब के एक किसान की मौत हो गई। किसान आंदोलन में शामिल एक किसान की टीडीआई मॉल के सामने अचानक मौत हो गई है। मृतका किसान का नाम हंसा सिंह था और उनकी उम्र 70 साल बताई जा रही है। मृतक हंसा सिंह पंजाब से मोगा जिले के शहद मोहम्मद में रहने वाली है। मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया और सिविल अस्पताल सोनीपत लाया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। हिमाचल भाजपा को 24 घंटे में 2 झटके लगे हैं। कांग्रेस ने शिमला के बाद कुल्लू जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर कब्जा जमा लिया है। गुरुवार को शिमला और कुल्लू जिले में चुनाव हुए थे। कुल्लू जिले में अध्यक्ष के पद पर पंकज परमार और उपाध्यक्ष वीर सिंह ठाकुर को चुना गया है। जिला परिषद हाल ही में बैठक में सभी 14 जिला परिषद सदस्य उपस्थित हुए। अध्यक्ष पद के लिए पंकज परमार को 8 वोट पड़े, जबकि देवेंद्र सिंह ठाकुर को 5 और जीवन ठाकुर को 1 वोट मिला है। इस पर कांग्रेस समर्थित पंकज परमार ने बाजी मारी है। उपाध्यक्ष पद के लिए वीर सिंह ठाकुर को 9 वोट मिले, जबकि विभाग सिंह को 5 वोट पड़े और ऐसे में कांग्रेस के वीर सिंह ठाकुर की जीत हुई। डीसी कुल्लू डॉक्टर रुचा शर्मा ने अध्यक्ष पंकज परमार और उपाध्यक्ष वीर सिंह ठाकुर को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।